हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में। हम जानेंगे रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट के डेफिनेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे रेपो रेट कब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कब नुकसानदायक हो सकता है, और उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल जीके एंड जीएस अपडेट पे। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि रेपो रेट के बारे में, सो फ्रेंड्स, जब हमें अपने पास हमें खुद पैसों की ज़रूरत होती है, हमें पैसों की कमी होती है हमारे पास, तो हम अपने नज़दीकी बैंक, किसी भी बैंक के पास, जैसे SBI, PNB, HDFC, इन बैंकों के पास हम जाते हैं, जिससे जो कम इंटरेस्ट पे हमें लोन दे सके, हमें पैसा दे सके। तो हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बैंकों के पास पैसों की कमी होती है तो वो बैंकों के बैंक यानी कि भारत में जो बैंकों का बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये नॉर्मल बैंक जो SBI, HDFC, PNB ये सब बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती हैं पैसों लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अगर अपने बैंकों से, जैसे PNB, SBI, इन बैंकों से जब हम पैसा लेते हैं तो उसके बदले हमसे इंटरेस्ट, ब्याज वसूलती हैं। तो जब ये जो छोटी बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, जैसे जैसे PNB, SBI, ये जब RBI से पैसे लेती हैं तो RBI जो इंटरेस्ट रेट लेता है इनसे, जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। जैसे अगर हमने किसी भी कॉमर्शियल बैंक से पैसा लिया तो वो उस पर जो हम लोग को पैसा एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा वो इंटरेस्ट रेट है। और वहीं अगर कॉमर्शियल बैंक RBI से पैसा लेती है तो उस पर जो एक्स्ट्रा रकम चुकाना पड़ेगा उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में समझें तो फ्रेंड्स, रेपो रेट कुछ नहीं, एक प्रकार का एक इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, जो बैंकों को देना पड़ता है जब वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेती हैं। रेपो रेट मुख्यतः फ्रेंड्स 2 से 14 दिन के लिए लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेपो रेट की डेफिनेशन के बारे में, तो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ग्रांट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर अ सॉफ्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम हिंदी में समझें तो फ्रेंड्स, वह ब्याज दर जिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में उपस्थित अन्य व्यापारिक बैंकों, कमर्शियल बैंक जैसे SBI, HDFC, PNB, इटेक्स्ट्रा को लोन देती हैं या पैसा देती है, उस ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को रेपो रेट का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेपो रेट के बारे में और कुछ जानने को, तो फ्रेंड्स, रेपो रेट एक प्रकार का एक ऐसा टूल है जिसे RBI द्वारा यूज किया जाता है देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। एंड डिक्रीज इन द रेपो रेट कॉसेस इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द कंट्री। जैसे फ्रेंड्स, अगर रेपो रेट कम है तो जब रेपो रेट कम रहेगा तो सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को कम रेट पे लोन देती हैं। तो जब बैंकों को कम रेट पे लोन मिलता है तो वो आम जनता को कम रेट पे लोन देती है। यानी कि जब देश में, जब मार्केट में मंदी छाई होती है, मार्केट बंद पड़ा रहता है, उस समय अगर सरकार को या RBI को लगता है मार्केट को उछाल लाने के लिए, उस समय रेपो रेट को कम करके मार्केट में पैसा बांटा जाता है, जिससे जब रेपो रेट कम रहेगा तो कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा लोग पैसा लोन लेने जाएंगे, इससे मार्केट में पैसा आ जाएगा और मार्केट फिर अपने आप बूम, मतलब मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि अगर रेपो रेट सस्ता है तो, रेपो रेट कम है तो हम लोग को लोन कम रेट पर मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। रेपो रेट महंगा है, रेपो रेट अधिक है तो हम लोग को महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। तो रेपो रेट, RBI यूज रेपो रेट एज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को का प्रयोग करती है देश में महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये रेपो रेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।